Hello students, how are you all? I am Pooja Choudhary, Assistant Professor of COMP-FEEDE Group of Institutions. Welcomes you all to our channel ISEC College. So today we are going to start with our new topic, that is supply and channel management. So ये जो topic है वो हमारा BBA 4th sem का है, ठीक है? देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है. सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट हम सभी समझते हैं. अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसे प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सप्लायर टू कस्टमर डील करते हैं. यहाँ हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक की प्रोसेस होती है, जो बेसिकली हमें डील कहाँ करना पड़ता है, कस्टमर तक पहुँचाना पड़ता है. तो इसमें एक थ्री फंडामेंटल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं या पिलर्स होते हैं जो डील करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. फर्स्ट इज सप्लायर, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड इज कस्टमर. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, कोई भी सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट में फर्स्ट जो हमारा फैक्टर होता है सप्लायर होता है, जिससे हम रॉ मटेरियल लेते हैं. मेन सोर्सिंग हम सप्लायर से करते हैं. देन क्या होता है, वही रॉ मटेरियल जो सप्लायर होगा वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाएगा, और वो क्या करेगा, वही कस्टमर तक पहुंचाएगा. कस्टमर तक जो मैन्युफैक्चरर है वो फिनिश गुड को पहुंचाएगा. तो ये थ्री स्टेप्स हो गई है. फर्स्ट जो है सप्लायर रॉ मटेरियल कहाँ पहुंचाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास में. मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके बाद में वही मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रेडी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कस्टमर तक पहुँचाता है, जो कि वो कंज्यूम करेगा या फिर फर्दर कहीं सेल करेगा. सो दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड ऑल द प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट. जैसा कि अभी हमने बात की है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, दैट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक रॉ मटेरियल से लेके तो फाइनल प्रोडक्ट तक यूज़ कर रहे हैं या फिर पहुँचा रहे हैं. तो एन इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ प्रोसेस टू सोर्स मेक एंड डिलीवर प्रोडक्ट, ये क्या करता है, एक पूरी प्रोसेसिंग होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सोर्सिंग. सोर्सिंग मतलब कि हम कहाँ से ले रहे हैं, सप्लायर से लेके तो कस्टमर तक डिलीवर्ड करते हैं प्रोडक्ट को. तो पूरी इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती है सप्लायर टू कस्टमर. देन अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज विच इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बनाना और उसको कहाँ तक ले जाना, कस्टमर तक ले जाना. तो हमारा जो मेन टारगेट क्या होता है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है, और उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारे प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं. रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे, कौन हमें देगा, लॉजिस्टिक्स क्या है, देन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, देन हम देखेंगे हमारा सोर्सिंग क्या है, हम उसको फैसिलिटी लेआउट कैसे करते हैं, कहाँ रखेंगे उसको. तो ये सारी जो प्रोसेसेस है वो इंटीग्रेटेड ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. सो ये क्या है, इट इज़ बेसिकली अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. देन है ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, बेसिकली अगर हम ड्राइवर वर्ड से क्या समझते हैं, ठीक है, जो किसी भी प्रोसेस को करने के पहले हमें डील करता है, हेल्प करता है. ठीक है, तो हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को. सो यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया है, जो अगर आप देख रहे हो इसको तो समझ में आ जाएगा. यहाँ पे कौन कौन से ड्राइवर्स हमारे पास में है, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, दैट इज़ फैसिलिटी, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा इस डायग्राम से. ठीक है, प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आपको पता ही है क्या क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस. देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, एक स्टॉक होता है, ठीक है, जो स्टोरेज होता है. लोकेशन मतलब कि हम कहाँ रखेंगे उसको. ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, कहाँ
कौन कौन से सोर्सेस ऐसे हैं जहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेस उसको हायर करेंगे, कौन से सोर्सेस हमें एफिशिएंट रहेंगे या फिर मतलब कॉस्ट कम रहेगी, या फिर कौन से ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिव रहेंगे जिससे कस्टमर को जल्दी सर्विस मिल जाएगी। देन इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक बेसिक पिलर होता है जो कि सारे ड्राइवर्स को लेके चलता है। इंफॉर्मेशन ही क्या होता है, एक डाटा होता है जो सारे ड्राइवर्स की हेल्प करता है। सभी जगह हमें सुटेबल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। देखो जो हमारे ड्राइवर्स है वो बेसिकली क्या होते हैं, एक होता है हमारे लॉजिस्टिक ड्राइवर्स एंड सेकेंड हमारे क्या होते हैं, क्रॉस फंक्शनल। टू टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स होते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा लॉजिस्टिक एंड सेकेंड इज क्रॉस फंक्शनल। ठीक है, लॉजिस्टिक में हमारे पास में क्या है, फैसिलिटी। फैसिलिटी का बेसिक क्या मतलब होता है कि हम हमारे जो रॉ मटेरियल्स है या फिनिश गुड है उनको हम कहाँ रखने वाले हैं, ठीक है, किस प्लेस पर रखेंगे, इट मीन्स लोकेशन। ठीक, उसके बाद में होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, स्टोरेज। ठीक, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमने बात की है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। देन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, ये सारे ड्राइवर्स के लिए जो एक बेसिक होता है या फिर बोल सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल ड्राइवर होता है हमारा, वो होता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, हमारी सप्लाई एंड चेन का मैनेजमेंट करते हैं। देन सोर्सिंग, कि हम कहाँ से रॉ मटेरियल्स को लेके आ रहे हैं, आउटसोर्स करेंगे या फिर इन हाउस से ही हम लेंगे। उसके बाद में प्राइसिंग होती है। प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर प्राइस सेट करनी पड़ती है हमारी गुड्स की जो फाइनली हम कंज्यूमर तक लेकर जाएंगे। देन ये जो टू पैरामीटर्स हैं, ये ड्राइवर्स, जो भी ड्राइवर्स की हम स्टडी करेंगे, जो हमारे पास में 6 टाइप ऑफ ड्राइवर्स हैं, उनकी स्टडी हम टू टाइप्स से, दो पैरामीटर सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट इज एफिशिएंसी एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्सिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ऐसा काम करना जिसमें हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, मतलब कि जिसमें हमारी कॉस्ट कम लग रही है। हमने मैनेजमेंट में पहले भी पढ़ा है, दो चीज़ें होती है, एक इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो वर्क आपको दिया गया है वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, मानो कि मैंने आपको 100 यूनिट बनाने के लिए दी है, वो 100 यूनिट आपने बहुत अच्छे से बनाई है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो काम किया है वो इफ़ेक्टिव तरीके से किया है, मतलब जो करना था वही किया, बहुत अच्छे से किया। लेकिन आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल का वेस्टेज कर दिया, ठीक है, गुड्स का वेस्टेज किया, तो वो काम इफ़ेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, मतलब कि आपने वहाँ पे कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा। तो इफेक्टिव का मतलब होता है काम अच्छे तरीके से करना, लेकिन एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना, मतलब कि कॉस्ट कम लगे और हमारा जो है प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो, तो उसका मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। तो पैरामीटर्स, हमारा फर्स्ट पैरामीटर बोलता है कि जो भी ड्राइवर्स हमें स्टडी करने हैं, तो जो वो भले वो ट्रांसपोर्टेशन हो आपका, ठीक है, या फिर फैसिलिटी हो, इन्वेंट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तो हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह रखें जहाँ पर हमारी क्या हो, कॉस्ट कम आए। और रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि जो हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं वो टाइम पे डिलीवर्ड कर पाए। ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब कि कस्टमर का रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, एक तो कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हो, और सेकंड हमारी गुडविल भी मेंटेन रहे, मतलब कि कस्टमर भी सेम रिस्पॉन्स दे, कोई डिले ना हो। अगर डिले होगा तो हमारा जो कस्टमर होगा वो कहीं और स्विच हो जाएगा, तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिवनेस का भी ध्यान रखना है और एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है। इन्हीं दोनों पैरामीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, सारे ड्राइवर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट, वो फर्स्ट ड्राइवर्स इज़ फैसिलिटी। वॉट इज़ फैसिलिटी, इट इज़ द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट वेयर प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एंड असेंबल। फैसिलिटी क्या होती है, फिजिकल लोकेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं और असेंबल कर रहे हैं। असेंबल मतलब क्या कर रहे हैं, हम कोई भी अलग अलग पार्ट से उसको जोड़ के हम हमारा फिनिश गुड तैयार कर रहे हैं। और स्टोर, तो स्टोर हम किसको कर सकते हैं, हमारे फिनिश गुड को भी स्टोर कर सकते हैं, और जो असेंबल मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल है अलग अलग, उनको भी स्टोर कर सकते हैं। तो फैसिलिटी में हम ये देखते हैं बेसिकली कि जो फिजिकल लोकेशन हो वो क्या होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे रेडी टू सेल हो, हमारे जो कस्टमर है उनको भी हम सामान पहुँचा पाएँ, इतना कम से कम हमें उस जगह पे रखना है। और सेकेंड एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब कि हमारी कॉस्ट भी सही आनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट होगी तो MRP इंक्रीज होगी।
तो ये जो फैसिलिटी होती है वो टू साइड्स होती है इसकी, प्रोडक्शन मतलब कि या तो आप फैक्ट्री में कर सकते हो कोई भी स्टोरेज वहाँ पे रखें, या फिर स्टोरेज साइड वेयर हाउस, ठीक है। प्रोडक्शन साइड्स मतलब फैक्ट्री जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्टोरेज मतलब कि वेयर हाउस, तो टू साइड्स हो सकती है फैसिलिटी की। देन सेकेंड इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री आपको पता ही होगा, आपने बहुत जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, फिनेंस में भी आपने पढ़ा होगा, इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल या स्टोरेज, ठीक है, स्टॉक। इन्वेंट्री आर ऑल द रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चेंजिंग इन्वेंट्री कैन अल्टर रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। फिर वही हमारे दो पैरामीटर्स आ गए, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हमारे पास में जो स्टॉक रखा हुआ है वो कितना है, ठीक है, हमें कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है। सपोज सेट कि आपकी गारमेंट्स की शॉप है या ग्रोसरी की शॉप है आपकी, तो आप क्या देखोगे कि आपको कम से कम आप वो सामान रखो जो कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, ठीक है। तो आप देखोगे कस्टमर की रिस्पॉन्सिवनेस के अकॉर्डिंग हमें सामान रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा सामान भी हमें नहीं रख लेना है कि हमारी वहाँ पर एफिशिएंसी मतलब कि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हो सकता है कि आपके यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, आपने रख लिया है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो होता है आपकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, इतना इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही पैरामीटर क्या हो, सेट हो पाए। देन होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारे गुड्स का मूवमेंट कैसे होगा। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हम या तो सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक आए, ठीक है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करता है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स एंड रूट्स, मतलब कौन से रूट हम डिसाइड करते हैं, इट रिफर्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, शिप, बस, एयरप्लेन, ट्रक। तो ये सारे क्या हैं, मोड्स ऑफ हमारे ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रेन अगर हम लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर्ड करने के लिए, अगर ट्रेन का ऑप्शन लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेन का ऑप्शन होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो एक स्लो प्रोसेसिंग है, कॉस्ट हमारी कम लगेगी, माना एफिशिएंसी वहाँ है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस, अगर आपको जल्दी सामान पहुँचाना है तो वहाँ वो सही नहीं है। शिप, शिप में अगर बहुत ज़्यादा बल्क में आपको सामान पहुँचाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो सही है, लेकिन फिर भी वो एक स्लो प्रोसेस हो जाती है। फिर देन बसेस हैं, बसेस से भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट, जस्ट लाइक मेल के थ्रू कर दिया हमने, कोई भी सर्विस को हमने दे दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने बहुत सारी वेबसाइट्स लॉन्च कर दी है जहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुँच पाते हैं। तो ये हमारे सोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें भी हम दो पैरामीटर देखते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करे जिससे कस्टमर तक सर्विस जल्दी पहुँच जाए और हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे। देन इन्फॉर्मेशन। सो हमने पहले ही बात की है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बिगेस्ट परफॉर्मर होता है सारे ड्राइव्स का। डेटा विच यूज्ड फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट इज़ द बिगेस्ट परफॉर्मर ड्राइवर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच अफेक्ट ऑल द ड्राइवर्स। इट्स कनेक्शन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो इन्फॉर्मेशन बेसिकली सभी को पता है, वो एक ऐसा डेटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं हमारे सारी प्लानिंग को एक्जीक्यूट करने के लिए, चाहे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अगर फैसिलिटी लोकेट कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन एक बेसिस पिलर होगा कि हमारे कहाँ पर क्या है, फिजिकल लोकेशन हम कहाँ सेट कर सकते हैं, हम वेयर हाउस करेंगे, फैक्ट्री करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशंस लेना। देन इन्वेंट्री में भी इंफॉर्मेशन रोल प्ले करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी सारे ट्रांसपोर्टेशंस की इंफॉर्मेशन हमें लेनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, एक बेसिक पिलर होता है या फिर बिगेस्ट परफॉर्मर होता है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें से ऑलरेडी माइनिंग करके ही हमें इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। माइनिंग करना मतलब कि जो अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें हमारे पास में पूरा डाटा है, तो इसमें से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो हम एक साइड कर लेते हैं, और जो अनरिलेटेड है मतलब कि हमें लग रहा है फेक न्यूज़ है, उसको हम एक साइड कर देते हैं। तो जो अनरिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन में से स्ट्रॉन्ग रिलेशन को हटाना, स्ट्रॉन्ग जो इन्फॉर्मेशन है उसको हटाना, और जो स्ट्रॉन्ग है या अनफिट इन्फॉर्मेशन है उनको क्या कर देना, बाहर कर देना। ये सारी जो प्रोसेस होती है माइनिंग कहलाती है, डेटा माइनिंग। देन होता है सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब होता है कि हम प्रोक्योर कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ सोर्स
फ्रॉम वेयर प्रोक्योर एंड परचेस रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज और रॉ मटेरियल इन विच फॉलोइंग डिसीजंस आर इंक्लूड। सोर्सिंग का मतलब होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड है, हम उसको कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमें जो भी गुड्स है इन हाउस लेनी है, प्रोड्यूस करनी है, या आउटसोर्सिंग करना है, मतलब कि या तो हम हमारे जो फैक्ट्री में ही बनाएंगे या फिर बाहर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, सप्लायर चूज़ करेंगे कि कहाँ से ले, कौन सा सप्लायर हमारे पास रिस्पॉन्सिव। देखो फिर वही दो पैरामीटर आ जाते हैं, एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। एफिशिएंसी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो सप्लायर हो वो सप्लायर क्या करेगा, आपसे ज़्यादा कॉस्ट ना ले, ठीक है, जो सप्लायर है आपका वो ज़्यादा आपसे पैसा ना ले। और हमारी जो होती है रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगी कि ऐसा सप्लायर जो हमें टाइम टू टाइम सामान ला कर दे दे, जिससे कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने में लेट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी भी देख लेंगे और रिस्पॉन्सिवनेस भी देख लेंगे, दोनों पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें सोर्सिंग कैसे करना है। देन टूडेज लास्ट पॉइंट इज़ प्राइजिंग। प्राइजिंग क्या है, वो अफेक्ट इट इज़ द फैक्टर विच अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ बायर, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ मच प्राइस विल अ फर्म चार्ज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच अवेलेबल टू कस्टमर। फिक्स्ड प्राइस और फ्लेक्सिबल, मैनू प्राइस और अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर और बिहेवियर ऑफ मार्केट। देखो प्राइजिंग का क्या होता है, ये एक हर बायर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। हम भी अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो प्राइजिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर हाई प्राइस है तो हम बोल देंगे क्वालिटेटिव गुड है, ठीक है। अगर प्राइस चीप प्राइस है, कम प्राइस है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट क्या है, चीप प्रोडक्ट है। अगर कम प्राइस है तो हम क्या सोच लेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सब ये जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो प्राइजिंग से ही करते हैं। तो एक कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को प्राइजिंग बहुत अफेक्ट करती है। तो प्राइजिंग डिसीजन में जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है, ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करना करना है, जो कि कस्टमर क्या करेगा, ईजीली परचेस कर पाएगा। उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारा सेगमेंट कौन सा है। अगर आपका हाई कस्टमर सोसाइटी है, आपका प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग है, नीश एरिया में है, आप हाई चार्ज करोगे। आपका जो मिडिल कैटेगरी के लिए है, या फिर आपका प्रोडक्ट क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में है, आपके सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप कम प्राइस चार्ज करोगे, ठीक है। सो डिपेंड्स करता है कि आपने कौन सा सेगमेंट चूज़ कर रखा है। तो पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइसिंग डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ बायर। यहाँ पे हम देखेंगे फिक्स्ड प्राइस रखनी है, फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड मतलब कि इतना ही प्राइस चार्ज करना है। पार्ले जी पहले भी 5 का मिलता था, अब भी 5 का मिलता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब कि ये वैरी करता है। कोई भी आप क्रीम उठाओगे तो वो क्या होते हैं, जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे पहले मैगी था, ठीक है, मैगी ने क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बीच में चेंज की थी, लेकिन उसके बाद में उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से उसने फिर से वही स्टेबल प्राइसिंग कर दी है। आप जो कॉस्मेटिक्स में देखोगे मोस्टली, तो वहाँ पे, या FMCG के प्रोडक्ट्स में अगर आप देख लो, तो वहाँ पे क्या होता है, डे टू डे वो प्राइसिंग अपनी फ्लेक्सिबल रखते हैं कि कल अगर 10 रुपीज़ से तो 12 कर दिया, 15 कर दिया, इस टाइप से वो प्राइस को बढ़ाते रहते हैं। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर्स में देख लोगे, वहाँ पर भी फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी रहती है। मेनू प्राइस रखनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर, मतलब कि जो कॉम्पिटिटर ने सेट की है उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस रख देते हैं। जैसे कि आप वेफर्स वगैरह में देखते हैं, सारे ब्रांड के वेफर्स जो होते हैं वो एक ही प्राइस के होते हैं। देन बिहेवियर ऑफ मार्केट, की मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है तो उसके अकॉर्डिंग, डिफ्लेशन है तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो होते हैं सारे ड्राइवर्स होते हैं जो कि हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। हमने क्या समझा आज बेसिकली कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जिसमें हमारे ड्राइवर्स कौन कौन से हेल्प करते हैं। सो टू टाइप्स के ड्राइवर्स पढ़े हमने, लॉजिस्टिक, ठीक है, और सेकंड इज़ क्रॉस फंक्शनल। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसके कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, इसके आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सो स्टे एट होम and be happy. Good day.